कल्पमस्तु। नमो गुरुभ्यो गुरुपत्फालचन्द्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सर्वसुरैरपि सर्वविघ्नच्छिदे तस्मै गणाधिपतये नमः। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीभिः सीदसादनम्। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते। अस्तु से भरा हुआ कलश की स्थापना होंगे, उसके बाद शंकु स्थापना किया जाएगा, सबसे अंतिम में आधारशिला सबसे प्रमुख शिलान्यास भी किया जाएगा। अभी क्षेत्रपाल की प्रार्थना करेंगे। क्षेत्रस्य पतिना भजगुं हितेन सैंहिकेयो विपुलतर यशः केतुरा चन्द्रतारम् अरिष्टानि प्रणश्यन्तु दुरितानि भयानि च शान्तिरस्तु शुभं मे स्तु ग्रहाः कुर्वन्तु मङ्गलम्। नमः सूर्याय चन्द्राय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः। आदित्यादिनवग्रहेभ्यो नमः। इन्द्राद्यष्टदिक्पालकेभ्यो नमः। पट्टिका का अनावरण जिस पर अंकित है 10 दिसंबर 2020 की वो तारीख जब कोरोना काल में पूरा विश्व आशंकित है, भारत बढ़ चला है नए संकल्पों की ओर। किसी राष्ट्र के इतिहास में कुछ अवसर मील पत्थर जैसे होते हैं जब राष्ट्र अपनी गौरवमय यात्रा को पीछे मुड़कर देखता है और गर्व तथा विश्वास के साथ अगला महत्वपूर्ण कदम रखता है। आज संसद के नए भवन की इमारत का शिलान्यास भी ऐसा ही एक कदम है। और आज का भारत तो युवा ऊर्जा से उज्ज्वलित अपने सपनों को पूरा करने की स्वच्छंद आकांक्षाओं के आसमान में परवाज को अधीर है। आज भारत वैश्विक पटल पर अपनी छाप अंकित कर रहा है। नई इमारत विश्व के सबसे बड़े लोक हितेश जोशी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा श्री गुलाम नबी आजाद, डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा श्री हरिवंश नारायण सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इंडिपेंडेंट चार्ज श्री हरदीप सिंह पुरी एंड वी वार्मली। आज के इस पावन अवसर पर बौद्ध, जैन, सिख, बहाई, इस्लाम, यहूदी, पारसी और हिंदू बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। देन इन द प्रेजेंस ऑफ द पीपल सोलोमन वेंट एंड स्टूड इन फ्रंट। वो मिलाकर एक कर दे और उनके समक्ष अपने महान उद्देश्य प्रकट कर, तेरे आदेशों का अनुसरण कर सके और तेरे विधि विधानों का पालन कर सके। सिद्धेश्वरा आचार्य जिन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनि वराह रत्नत्रयाराधिका पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनम् काजिस्वारे तिर कर बैसो हर जन प्यारे तिर कर बैसो हर जन प्यारे तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे तुमरे काज सवारे सतगुरु तुमरे काज सवारे दुष्ट दूत परमेश्वर मारे